हेलो दोस्तों मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रेंटिसिप भर्ती योग्यता इसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री है साथ ही इसमें स्टाइपन इस जो है पंद्रह दे है इसमें जो है नो कोई भी एग्जाम फीस नहीं है और कोई भी एग्जाम भी नहीं होगा कुल पद एक सौ अस्सी है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक मोबाइल और कंप्यूटर से कैसे भर पाएंगे यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको आईटीआई अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसिप के बारे में जानकारी दूंगा उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री वाले का दूंगा इस प्रकार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट उन्नीस जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन के तरफ से जारी किया गया है साथ ही इसमें डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ एंड क्वालिफिकेशन देख पाएंगे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इस डिसिप्लिन इसमें जो है आईटीआई ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल चौदह पोस्ट निकाले गए हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वन ईयर का है मंथली स्टाइपेंड आईटीआई वालों के लिए नौ हज़ार रुपये दे है साथ ही इसमें लोकेशन एयरपोर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नॉर्थ रीजन एयरपोर्ट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जब आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए चयन होगा तो इन्हीं इन्हीं एयरपोर्ट अथॉरिटी पे एयरपोर्ट्स पे जो है आपको चयन ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाएगा साथ ही इसमें लास्ट डेट आप एप्लीकेशन 24 एक 2021 तक आप कर पाएंगे एडुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई ट्रेड कैंडिडेट वाले लोग आईटीआई एनसीबीटी से पास आउट वाले ही अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर पाएंगे जो अभ्यर्थी आईटीआई एससीबीटी से किए हैं वे यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे साथ ही यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन में प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ़ द कैंडिडेट मेरिट बेस इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका चयन जो है आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत के आधार पे मेरिट बेस पे जो है चयन किया जाएगा साथ ही इसमें फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय ले जाना होगा साथ ही इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड बाई इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली जो आपने आईटीआई अप्रेंटिसिप रजिस्ट्रेशन के समय जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किए हैं उसी ईमेल आईडी पे जो है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल किया जाएगा और यहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द गिवन लोकेशन इन द नॉर्थ रीजन बेस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन लोकेशन इन द पोर्टल जिस पोर्टल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी पोर्ट उसी लोकेशन पे है जो है आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा यहाँ पे एज लिमिट मैक्सिमम जो है ट्वेंटी सिक्स ईयर एक सात दो हजार बीस के अकॉर्डिंग लिया गया है साथ ही इसमें लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन चौबीस एक दो हजार इक्कीस दिया गया है जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसिप इंडिया डॉट ओ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं की नहीं किए हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी पे रजिस्ट्रेशन के लिए वे मेरे रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो को देख लें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहां से देख के आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे यहां पे नोट टीए और डीए विल बी प्रोवाइडेड यहां टीए डीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोग वहां से देख के जो है आसानी से इसको पढ़ पाएंगे यहां पे नो एप्लीकेशन फीस इज बीइंग चार्जेड यहां पे कोई एप्लीकेशन फीस का चार्ज नहीं लिया गया है जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब और टिप्स और ट्रिक्स वाले जानकारी जो है मैं चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का कार्य करता हूं जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वे यहां पे अप्रेंटिसिप इंडिया डॉट ओ आर जी साइट पर जाएँ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एंटर ईमेल आईडी कैंडिडेट कोड और आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे एंटर करना है चेक बॉक्स को एक्टिव करना है एक्टिव करने के बाद लॉग इन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन होना है लॉगिन होने के बाद आपको जो है टॉप में होम और गेट स्टार्टेड के साइड में अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ सेलेक्ट कोर्स टाइप सेलेक्ट कोर्स टाइप में आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्च कोर्स जिस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और साथ ही यहाँ पे लोकेशन जिस लोकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है साथ ही इसमें इस्टाब्लिशमेंट नेम इस्टमेंट नेम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको टाइप करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जब आप इस तरह सर्च करेंगे तो आपको जो है कि जो ट्रेड आप यहाँ सर्च करते हैं वो उसी ट्रेड यहाँ पे शो करता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई और व्यू बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको रिलीजन क्वार्टर ऑफ़ ए आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आप अप्लाई सक्सेसफुल ग्रीन में ग्रीन कलर में आपको शो करेगा उसके बाद यहाँ पे जो है ऑलरेडी अप्लाइड आपको शो करेगा जब आप इस पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस्टिशमेंट के बारे में यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट यहाँ पे दिखाई देगा इस्टाब्लिशमेंट कोड आपको यहाँ पे शो करेगा वर्किंग डे कितने दिन का होगा ऑलरेडी अप्लाइड आप जनवरी सात जनवरी अभी आप मैंने अप्लाई किया है उसका यहाँ पे डेट दिखाई देगा नंबर ऑफ ओपनिंग कितना है वो भी दिखाई देता है साथ ही यहाँ पे अलग यदि ट्रेड का आपको फिर से अप्लाई करना होता है तो आप यहाँ पे इस्टब्लिशमेंट कोड को कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद फिर से अपर अप्रेंटिसिप अपॉर्चुनिटी पे जाएं और वहाँ पे जाने के बाद जो है आपको सर्च बाई इस्टाब्लिशमेंट नेम पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको इस्टेबलिशमेंट कोड को पेस्ट करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे शो करेगा उसके बाद अलग अलग ट्रेड का यहाँ पे शो करेगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिस लोकेशन के लिए निकला हुआ होता है उसके बाद आप अपने फोटोग्राफ और जहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है वहाँ पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको जो है डैस बोर्ड दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि कैंडिडेट डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है आप किस डेट को किस इस्टाब्लिशमेंट के लिए अप्लाई किए हैं दोस्तों आप लोग अपना प्रोफाइल हंड्रेड परसेंट बिना कंप्लीट किए किसी भी इस्टबलिशमेंट में अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई ना करें सबसे पहले अपने प्रोफाइल को 100 परसेंट कम्प्लीट कर लें उसके बाद ही अप्लाई करें तो इस तरह मैंने आपको आईटीआई टी अप्रेंटिसिप के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी में कैसे अप्लाई करना है यह मैंने आपको बता दिया है अब नेक्स्ट मैं आपको डिग्री और डिप्लोमा वाले लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी जानकारी आपको देने वाला हूँ यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइड है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही यहाँ पे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन ऑफ इंगेजमेंट ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसिप के लिए निकला हुआ है उसका भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले लोग का दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वन ईयर का सभी ट्रेडों के लिए है ग्रेजुएट वाले लोग अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे पंद्रह हज़ार स्टाइप है और टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसिप लोग का बारह हजार है साथ ही यहां भी लोकेशन एयरपोर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नॉर्थ रीजन एयरपोर्ट्स यहां पे दिया हुआ है कहां पे आपको भेजा जाएगा चयन के हिसाब से लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसका भी चौबीस एक दो है यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन कंडीशन मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेरिट बेस यहाँ भी आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा और यहाँ भी इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय दे ले जाना होगा साथ ही यहाँ भी शॉर्ट लिस्टेड जो है आपके रजिस्टर्ड ई मेल पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू को कॉलिंग लेटर भेजा जाएगा एज लिमिट यहां पे दिया हुआ है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा किस तरह आप आवेदन पर कर पाएंगे साथ ही यहां पे नोटिफिकेशन को अच्छी स, अच्छी तरह से देख पाएंगे जिस तरह आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉटorg पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है उसी तरह ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है इनका पोर्टल जो है एम एच आर डी एन ए टी एस डॉट गवर्नमेंट डॉट इन यहाँ पे साइट दिया हुआ है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा साथ ही यहाँ पर आपको नो टी एम डी ए विल बी प्रोवाइडेड इसका भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है यहाँ भी नो एप्लीकेशन फीस यहाँ भी कोई चार्ज नहीं लिया गया है साथ ही यहाँ पे पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और साउथ रीजन यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है इसके अनुसार यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित और यहाँ पे प्रोसीजर फॉर इंडोलमेंट इन एन पोर्टल पे आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है इसका भी इस पी के अंदर दिया हुआ है चेक लिस्ट फॉर इंडोलमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है स्टेप फॉर इंडोलमेंट इस पी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा देखने के बाद आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मेरे पास किसी स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं आप लोग इस पी के माध्यम से ही देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर ले अप्लाई किस तरह करना है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं यह एन का ऑफिशियल साइट है यहां पे जब आप लॉगिन लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ईमेल मोबाइल या यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपका है कैप्चर कोड यहाँ पर डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है लॉगिन होने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको इस्टाब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइंड इस्टाब्लिशमेंट दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा सर्च इस्टाब्लिशमेंट और इस्टब्लिशमेंट लिस्ट उसके नीचे आपको सर्च क्राइटेरिया दिखाई देगा सर्च बाय प्रफेंस इस्टाब्लिशमेंट नेम इस पर आपको इस्टाब्लिशमेंट के रेडियो बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको प्लीज़ एंटर इस्टाब्लिसमेंट बाई कम्प्लीट नेम यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नॉर्थ रीजन का यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर टॉप में ही यहाँ पे आपको एक्शन बटन पे अप्लाई बटन दिखाई दे रहा है उसके एक्शन बटन के नीचे अप्लाई बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको जो है अप्लाई बटन दिखाई देगा इस पे आपको अप्लाई फॉर इस इसको आपको क्लिक क्लिक करना है। है अप्लाई बटन पे करने के बाद जो है आपको सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन ऐसा एक ग्रीन कलर में आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा तो दोस्तों इस तरह मैंने आईटीआई टी और डिप्लोमा डिग्री अप्रेंटिसिप के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है किस तरह आपको आवेदन करना है जो भी नॉलेज आपको जो है इस वीडियो के अंदर दिया गया है उसका सारा सारा जो है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक उपलब्ध रहेगा तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जो लोग अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वे अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में तीन डॉट बटन दिखाई देता है उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ सेटिंग दिखाई देगा उसमें आपको डेस्कटॉप साइड दिखाई देगा उसमें आपको चेक बॉक्स को एक्टिव कर लेना है एक्टिव करने के बाद जो है आप आसानी से मोबाइल मोबाइल के माध्यम से भी आवेदन कर पाएंगे किसी भी तरह का आवेदन करने में यदि आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करें मैं आपका पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू